हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ आज की न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। गाइस देखिए, गाइस आप भी कुछ इस तरीके से फोटो एडिट कर सकते हैं। गाइस मैंने कुछ इस तरीके से जाली फोटो एडिट की है, अटैच ये ओनली फोन की फोटो है, कोई कैमरे से क्लिक नहीं की गई है। तो गाइस आप भी कुछ इस तरीके से अपने घर पर कैमरे फोन से क्लिक कर सकते हैं फोटो। गाइस एंड गाइस वीडियो देखने के बाद आप भी कुछ इस तरीके की फोटो एडिट कर सकते हैं। गाइस देखिए और लग रही है, एंड गाइस आप भी कुछ इस तरीके से फेस स्मूथ एंड हेयर कर सकते हैं। गाइस तो गाइस मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा इस टाइप की फोटो एडिट कैसे करें। गाइस बिल्कुल रियलिस्टिक एंड गाइस ये बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो एंड इस फोटो करते हैं लाइटरूम में से। तो गाइस जैसे कि हम अपना बैकग्राउंड लाइटरूम में लेके आ गए हैं, तो गाइस लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले इस बैकग्राउंड में ब्लैक टोन ऐड करना है, जैसे कि टोटल ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग हो एंड गाइस बैकग्राउंड एंड फोटो मैच भी अच्छे से हो जाए। तो गाइस ब्लैक टोन को करने के लिए सबसे पहले जाना है लाइट्स में। गाइस यहाँ पे बिगनर्स के लिए यहाँ पे आपको कर देना है ऑटो, जैसे ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गाइस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस इसके बाद जाना कलर्स में, एंड गाइस कलर्स में जाने का यहाँ पे आना है मिक्स में। एंड गाइस मिक्स में जाने का ग्रीन पे जाके ह्यू एंड सैचुरेशन को कर देना है माइनस। एंड गाइस येलो की भी सैचुरेशन एंड ह्यू कर देना माइनस। एंड गाइस येलो की लिमिट को करना है माइनस। एंड गाइस ग्रीन की भी थोड़ी माइनस कर देना लिमिट। एंड गाइस इतना करने का ब्लू वाले टोन पे आना है। गाइस यहाँ से भी इसको कर देना पूरी इसकी सैचुरेशन करना है माइनस। एंड इसकी ह्यू को भी कर देना माइनस। एंड गाइस इतना करने के बाद जाना है इस वाले ऑप्शन पे, एंड गाइस इसकी भी सैचुरेशन करना है माइनस। एंड गाइस इस वाले भी, तो गाइस आपको सारी की सैचुरेशन लिमिट सब माइनस कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे कर देना डन। एंड गाइस डन करने के बाद इसमें जाना है वाइब्रेंस में, वाइब्रेंस को बढ़ा देना है 15। एंड गाइस इसकी सैचुरेशन करना है माइनस माइनस 10 या 14 के आसपास। एंड इसकी टेम्पो कर देना है प्लस 10। एंड इसकी टिंट को रखना है प्लस 13। एंड गाइस इसमें इतना करने के बाद जाना है ग्रेडियंट में। एंड गाइस ग्रेडियंट में जाने के बाद इसके शेडो पे जाना है। एंड गाइस इसकी ह्यू को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस सैचुरेशन को करना है माइनस ये सॉरी प्लस गाइस। एंड गाइस यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में ब्लैक टोन लेके आना है अपन को। गाइस यहाँ पे थोड़ा येलो टोन आ रहा है, तो गाइस इसकी सैचुरेशन करना है थोड़ी माइनस 20। एंड गाइस यहाँ पे हो गया ब्लैक टोन। एंड गाइस यहाँ से कर देना डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना इफेक्ट्स में, इसकी टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस इसकी क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस इसकी ब्लेंड को करना है 10। एंड गाइस इसकी फेदर को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस इतना करने के बाद जाना है डिटेल्स में, डिटेल्स में जाने के बाद इसकी शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस आप देख सकते हैं अपना ब्लैक टोन यहाँ पे फोटो अपनी कंप्लीट हो गई, ब्लैक टोन आ गया गाइस यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं गाइस बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं अपन बैकग्राउंड को सेव। एंड गाइस यहाँ पे अपना बैकग्राउंड हो गया सेव। एंड गाइस यहाँ पे इसको इस बैकग्राउंड को अपन को लेकर चलना है पिक्सआर्ट में। एंड गाइस जैसे कि अपन पिक्सआर्ट में आ गए हैं, एंड गाइस पिक्सआर्ट में आने के बाद जाना है टूल्स में। एंड गाइस टूल्स में अंदर इसको जाना है क्रॉप में। एंड गाइस क्रॉप में जाने के बाद इसको करना है इंस्टाग्राम मतलब पोर्ट्रेट। उसके बाद आपको जितना रखना है बैकग्राउंड आप रख सकते हैं, अब मेरे हिसाब से इतनी रख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल मैक्सिमम फुल साइज है एंड अच्छा भी आएगा गाइस। एंड गाइस यहाँ से करना है डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना है इसकी टूल्स में। एंड गाइस टूल्स में जाने के बाद इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है, जैसे कि अपना बैकग्राउंड थोड़ा फटे हैं। एंड गाइस यहाँ पे अपना बैकग्राउंड फटेगा नहीं, इससे फुल साइज एफ डी में आएगा। तो गाइस यहाँ पे डालना है 3872। एंड गाइस ये फुल साइज है। गाइस यहाँ पे करना डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना है स्टिकर्स में। एंड गाइस स्टिकर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है वाइट लाइट, वाइट लाइट। एंड गाइस वाइट लाइट सेट करने के बाद आना है नीचे। एंड गाइस यहाँ पे देखिए आप ये वाली लाइट को आपको करना है सिलेक्ट। एंड गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लगा देना गाइस, जैसे कि पीछे से सनलाइट आएगी अपनी तो बैकग्राउंड थोड़ी रियलिस्टिक अच्छी लगेगा। तो अब यहाँ पर करना है स्क्रीन। एंड गाइस स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे करना है डन। एंड गाइस डन करने के बाद फिर से जाना है स्पीकर वाले ऑप्शन में। एंड अब यहाँ पे आपको सेट करना है सनलाइट। एंड गाइस यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे इसको करना है ब्लेंड। एंड गाइस इसको पीछे से रखना है। एंड गाइस इसकी ओपेसिटी को रखना है 14। एंड गाइस यहाँ पे कर देना डन। एंड गाइस डन करने के बाद आना है इसमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में। गाइस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आना है ब्लर में। एंड गाइस इसकी ब्लर को थोड़ा बढ़ा देना है गाइस, इसमें अपन ब्लर ऐड करेंगे जैसे ही बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगेगा गाइस, रियलिस्टिक डीएसएलआर जैसा लुक आएगा। एंड गाइस इसकी ब्लर को रखता हूं 10। एंड गाइस ब्लर को 10 रखने के बाद यहां से कर देता हूं डन। एंड गाइस डन करने के बाद आप अपनी मॉडल को कटआउट करके रख लेना। ऑलरेडी मैंने गाइस कटआउट करके रख लिया गाइस, जैसे कि आपको टाइम वेस्ट भी ना हो गाइस। तो यहां पे मैं फटाफट यहां से अपना मॉडल ऐड कर लेता हूं, मैं अपनी फोटो ऐड कर लेता हूं, मैं जाऊंगा ऐड फोटो में।
सुबह मैंने अपनी फोटो को ऐड कर लिया बिल्कुल गाइस। एंड में गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कट करके रख लिया था जैसे आपको टाइम वेस्ट ना हो। एंड गाइस जिसको भी बैकग्राउंड कट करना ना आता हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं गाइस उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा कि परफेक्टली तरीके से बैकग्राउंड को कट कैसे करें। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी फोटो लेके आ गया हूँ। एंड गाइस यहाँ पे इसको करने कर देना सेट आराम से। तो गाइस यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो गाइस यहाँ पे मेरी हो गई सेट फोटो। एंड गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना है आपको स्टिकर वाले ऑप्शन में। एंड गाइस स्टिकर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना ईगल। एंड गाइस यहाँ पे ईगल सर्च करने के बाद ये आ गया गाइस फर्स्ट वाले पे। एंड गाइस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है इसको। तो गाइस डाउनलोड हो रहा है। एंड गाइस जैसे यहाँ पे अपना ईगल आ गया, तो गाइस अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से सेट कर देना है। तो गाइस मैं जल्दी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे जैसे कि मेरा सेट हो गया, अब इसको मैं यहाँ पे परफेक्टली तरीके से सेट कर लेता हूँ। एंड गाइस सेट करने के लिए अपन जाना ए वाला से। एंड गाइस यहाँ पे इसको थोड़ा इस वाले नेल्स को कट कर देना जैसे कि रियल स्टिक लगे और एक नेल्स पीछे आ जाए एंड एक नेल्स आगे से। तो इतना करने के बाद करना है डन। तो गाइस यहाँ से कर देना डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना है इस वाले ऑप्शन में ड्रॉ में। एंड गाइस ड्रॉ में जाना, ड्रॉ में आने के बाद आना है ब्रश में। एंड गाइस ब्रश में आने के बाद यहाँ पे जाना है इस वाले ऑप्शन में, फिर ओपेसिटी को रखना है माइनस। एंड गाइस फिर इसकी हार्डनेस रखना है 20 अराउंड। एंड गाइस इसकी ओपेसिटी भी 20। एंड गाइस साइज थोड़ा बढ़ा लेना अपने हिसाब से। एंड गाइस यहाँ से जिसकी इसकी ईगल की जो पेयर है यहाँ पे अपन शेडो डालें जिसकी रियलिस्टिक लगे। तो गाइस जैसे इनको इस तरीके से डाल देता हूँ जैसे कि शेडो आए तो रियलिस्टिक लगे थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पे शेडो डल गई है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं डन। एंड गाइस डन करने के बाद जाना है आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में फिर से। एंड गाइस यहाँ पे फोटो कर लेना है सेव। एंड गाइस सेव करने के बाद इस फोटो को लेकर चलना है लाइट रूम में। एंड गाइस मैं इस फोटो को आ गया लाइट रूम में लेके, जिसकी यहाँ पे अपन इसकी रियलिस्टिक थोड़ी फोटो को रिटच करेंगे जैसे कि बैकग्राउंड एंड फोटो दोनों मैच हो जाए। तो गाइस उसके लिए जाना है आपको लाइट्स में। लाइट्स में जाने गाइस की कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, जैसे कि शेड को थोड़ा बढ़ा देना है गाइस। एंड इसकी हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है। एंड गाइस आप यहाँ पे ऑटो भी कर देते हैं, कर सकते हैं जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक हो जाए तो आप यहाँ से ऑटो कर देना। एंड गाइस अगर थोड़ा ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हाईलाइट को थोड़ा कम करते हैं, इसमें शेड ज़्यादा हो गई तो मैं शेड को थोड़ा कम कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे अपना हो गया। एंड गाइस इसका जाना कलर्स में, कलर्स में जाने का जाना मिक्स में। एंड गाइस मिक्स में जाने के बाद आपको येलो वाले पे आना, येलो वाले की सैचुरेशन आपको करना माइनस। एंड गाइस इसकी भी सैचुरेशन करना माइनस। एंड जैसे थोड़ा ब्लैक आगे देखिए गाइस आपका एंड हो बैकग्राउंड मैच हो गया। एंड गाइस इसमें जाने, इसमें जाने के बाद इसकी सैचुरेशन करना माइनस, जैसे कि फेस थोड़ा गोरा हो गया। एंड गाइस इसकी लुमिनेंस को रखना है माइनस, सॉरी गाइस प्लस 20। एंड गाइस इसकी सैचुरेशन करना है 10। एंड गाइस ह्यू को थोड़ा कर देना 6। एंड गाइस जैसे कि देखो बैकग्राउंड में थोड़ा मैच हो गया, पीछे से भी वाइट आ रहा है एंड फेस भी वाइट हो गया थोड़ा देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर। गाइस इतना करने के बाद आपको करना डन। एंड गाइस डन करने के बाद इसकी टेंपरेचर थोड़ा बढ़ा देना 4। गाइस इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देना। एंड गाइस सैचुरेशन करना है माइनस 3। गाइस इतना करने के बाद देना आपको इफेक्ट्स में। गाइस इफेक्ट्स में जाने के बाद इसकी टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देना है। गाइस इसकी क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है 10। एंड गाइस इसकी ब्लेंडिंग को थोड़ा माइनस करना है 40 के अराउंड। इसकी फेदर को थोड़ा बढ़ा देना है, जैसे इसकी मेरी पॉइंट थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस थोड़ी गाइस माइनस करना है माइनस 40। एंड गाइस इतना करने के बाद यहाँ से अपनी फोटो की कंप्लीट। एंड गाइस इसमें थोड़ी डिटेल्स वापस लाना है जैसे कि रियलिस्टिक लगे। एंड गाइस इसके लिए आपको जाना है डिटेल्स में। एंड गाइस डिटेल्स में जाने जाना शार्पनिंग में। एंड इसकी शार्पनिंग थोड़ा बढ़ा देना है 26। एंड गाइस इसकी मास्किंग को भी 10 रखना है अपन को, लेकिन नॉइस रिडक्शन भी रखना है 10। एंड आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस अपनी फोटो हो गई कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे इसको इसमें सिर्फ अपन को फेस स्मूथ करना है। एंड गाइस थोड़ा हेयर को ठीक करना है। तो गाइस फेस स्मूथ के लिए अपन को जाना है, इस फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो गाइस जैसे कि हम ऑटोडेस्क स्केच बुक में आ गए इस फोटो के लिए, इस फोटो में अपन को करना है बस आप फेस स्मूथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप कुछ इस तरीके से फोटो को फोटो में फेस स्मूथ कर सकते हैं गाइस। एंड गाइस फेस स्मूथ करने के लिए आपको जाना है इस वाले ऑप्शन में। एंड गाइस आपको इस वाले ब्रश को करना सेलेक्ट, ले लीजिएगा इसमें भी आने के बाद थर्ड वाले ब्रश को। एंड गाइस इसमें सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाने के बाद इसकी फिलो को रखना है 4। एंड गाइस इसको रखना है 2। एंड गाइस साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एंड गाइस फिर फोटो को करना है जूम। एंड गाइस साइज आप यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इसको साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसको होल्ड करके रखना है। एंड गाइस आगे पीछे करोगे तो आपको साइज बढ़ेगा भी घटेगा भी। एंड गाइस मैं इसको साइज अपना रख लेता हूँ। तो गाइस आप कुछ इस तरीके से आपको ब्रश चलाना है गाइस, जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश इस तरीके से चलाना है, जैसे ये फेस थोड़ा मैच मिला और गड़बड़ भी मिलेगा। गाइस जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ देखिएगा आप भी इसी तरीके से करना, तो आपको फेस मैच होगा बढ़िया, आपको फेस बेकार हो जाएगा पूरा। गाइस कुछ तरीके से भैया जो हो रहा है ना, तो गाइस मैं यहाँ से इसको बाल को थोड़ा हटा देता हूँ, अच्छी लग रहा है। गाइस कुछ इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं।
देख सकते हैं कितना परफेक्ट है, अच्छा स्मूथ हो रहा है अपना टेस्ट। एंड गाइस यहाँ पे मैं पूरा जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ, कल गाइस आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड गाइस वीडियो भी बड़ी ना हो। तो इसके बाद स्मूथ करने वाला अपन फेस एयर फ्रेश हो गए, हेयर को थोड़ा ठीक करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप हेयर भी ठीक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे अपना फेस भी हो गया स्मूथ, देखिए गाइस कितना परफेक्ट स्मूथ हुआ है, वो भी अच्छा भी लग रहा है गाइस। एंड गाइस यहाँ पे अपना फेस स्मूथ हो गया है एंड फिर एंड गाइस इसके बाद जाना अपन को हेयर को थोड़ा ठीक करना है गाइस। यहाँ से ये बेकार लग रहा है थोड़ा गाइस, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। एंड गाइस हेयर को ठीक करने के बाद आपको ठीक करने के लिए आपको जाना है इस वाला स्क्रीन पे, इसकी लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आर्टिस्ट वाले फोल्डर में आना है, इसको यहाँ पे इस ये वाला ब्रश आपको करना है हेयर वाला। एंड गाइस इसकी सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाने का इसकी देखिएगा आप सेटिंग देख लीजिएगा, आपको इस टाइम यही सेटिंग रखनी है। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ डन, डन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा रखना है कम, आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं इसका। सॉरी गाइस यहाँ पे आपको इस कुछ इस तरीके से आपको फैलाना है ब्रश, ठीक है हेयर भी हो रहे हैं। तो वैसे कुछ आप भी इस तरीके से कर लेना गाइस, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है फोटो, कुछ आपको भी इस तरीके से करना है। इनका तो आप यहाँ पे इसकी पिलो को थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे मेरे हेयर हो गए हैं, तो गाइस फोटो कंप्लीट हो गई है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस स्मूथ बिल्कुल अच्छा हुआ है परफेक्ट। एंड गाइस हेयर भी हो गए हैं, तो गाइस यहाँ पे अपनी फोटो हो गई कंप्लीट। तो गाइस आपको ये एडिटिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड गाइस कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी एंड एडिटिंग कैसी लगी। एंड गाइस आपको जिस रिलेट जैसी भी एडिटिंग की फोटोज मतलब वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।